हेलो गाइस, मेरी तरफ से, रुखसाना की तरफ से और मुकायल की तरफ से और पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको जो है वो चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और इस ईद पे आपने क्या करना है, सबके साथ जो है खुशियाँ बांटनी है। और खुदा करे मौसम भी इसी तरह अच्छा और खुशगवार रहे, क्योंकि आप लोगों की और हम सब की बहुत अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? उम्मीद करता हूं कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज की सुबह जो है हम सवेरे उठ चुके हैं, तो व्यूअर्स यहां पे जो है आज क्या कहते हैं कि मौसम फिर जो है बारिश वाला बना हुआ है, क्योंकि कल तक तो है 10 तारीख तक तो बारिश ही बताई है। तो व्यूअर्स यहां पे सारी पब्लिक बैठी हुई है, इनसे जो है आपको मिलाता हूं। यहां पे देखें रुखसाना बैठी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि रुखसाना जो है न्यू चारपाई पर बैठी है, ये हम कल खरीद के लेके आए, इमरान लेके आए अपने लिए चारपाई, और मेरी तो पहले ही थी ये। भाई खुद जब गर्मी होती थी तो खुद पंखा चला के स्टैंड फैन ये देखे चल रहा है, ये लटा के सो जाती थी और हम लोग जो है छत पे चले जाते थे, हमें बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। तो इसलिए व्यूअर्स बैड न्यूज़ ये है हमारे घर में कि मुकाहिल साहब को जो है बुखार हो चुका है। मुकाहिल हाय करो। कल जो है इसको बारिश में नहाना आके इसको बड़ा ज़बरदस्त कल बुखार था, रात को मैं इसकी मेडिसिन लेके आया हूँ। ये देखें ये डॉक्टर ने दी है, काफी बेहतर है। और ये खांसी का शरबत और ये कोई है, ये इन्फेक्शन का होता है। तो ये देखें अभी इसने सुबह कुछ खाया, जूस पिया है और इसके पास जो है ये देखें नूडल्स है, भी कह रहा है नूडल खाने हैं। और यहाँ पे यशवा बैठा हुआ है, हाय करो। हाय। और यहाँ पे तो व्यूअर्स बादल फिर से आ गए हैं, ये देखें आज फिर से बादल बने हुए हैं, ठीक है। और अंदर अबू बैठे हुए हैं, तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें, व्यूअर्स यहाँ पे ये देखें अंडे बॉय हो रहे हैं मकाहिल के लिए, इसकी खिदमत हो रही है क्योंकि इसको जो है रात से बुखार हुआ हुआ है। तो अभी बस जब इसको दवाई देते हैं तो ये उल्टी कर देता है, वॉक वॉक। तो बारिश की वजह से काफ़ी जो है निज़ाम जो है वो धर्म भरम ही हुआ हुआ है घर का। तो अभी बस समझ ही नहीं आ रही क्या करें, कपड़े कहाँ इतने कोई समझ नहीं आ रही। और तो हमारा जो मकान है जिस कमरे में हम रहते हैं, ये इसकी छत जो है माशाल्लाह से ऐसी जगह पर टपक रही है, तीन चार जगह पर लीक हो रही है। और मैं वहाँ पे आपको दिखाऊं कि बर्तन रखे हुए हमने। ये कमरे की छत जो है ये देखें टपक रही, सही है, इतनी टपक रही है कि ये देखें ये बाल्टी हमने नीचे रखी हुई थी ये भी भर गई है, ये देखें ये बंद दो बाल्टियाँ थी ये भी भर गई है। तो व्यूअर्स मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे, तो आपने हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, फिर आगे की एक्टिविटी जो है आपसे शेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे वीडियोस देखी जा रही हैं और यहाँ पे बैठा है मिकाइल। मिकाइल झगड़ा नहीं करो, ये देखिए मिकाइल को मैं दे रही हूँ अंडा उबाइल करके, दो अंडे उबाइल किए मैंने, एक मिकाइल का है एक मेरा है। तो रुको ऐसे खाना है, ये गोभी में रखो, अभी मैं इसको नूडल्स बना के देती हूँ। और यहाँ देखती ये क्या कर रहे हो आप? नूडल बना रहे हैं, चाइनीज नूडल। ये अपने नूडल्स बना रहा है, गरम है मुन्ना ध्यान से। यहाँ खाया जा रहा है जी अंडा, अंडा अभी मैंने मेडिसिन इसे खिलाई है, बस दुआ करें कि ये जल्दी जल्दी सेहत याब हो जाए। पूरी रात ना ये खुद सोया है ना इसने मुझे सोने दिया है, तो ये बारिश से नहाने का नतीजा जो है वो निकला है। गाइस आज हम बनाने लगे हैं, इसको पता नहीं कद्दू बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये पहले भी मैंने बनाया है और ये इमरान साहब को बहुत पसंद है, तो ये बहुत मज़े का बनता है। इसमें मैं डालूंगी दो आलू नमकीन वाले। और मकाइल के लिए लेके आई हूँ मैं चिकन सूप के लिए, कह रहा है मुझे चिकन का सूप बना के दो, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी बनाऊँगी। तो यखनी वाला सूप जो है वो इसको पसंद है। और ये देखें इधर देख मुंह पर करो, अभी इसको बुखार नहीं है, बुखार नहीं है ना आपको? अभी ठीक हो? क्या पीना है बोलो? चिकन वाला सूप।
तो जी पियेंगे चिकन वाला सूप मिकाइल साहब। तो चलें नई चारपाई पे बैठ के आज हम सब्जी काट रहे हैं। तो मौसम बादल है और आज लाइट भी नहीं गई, और मेरी तरफ़ से सब लोगों को जो है चांद रात मुबारक हो और ईद भी एडवांस में मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए और ईद जो आपकी अच्छी गुजरेगी क्योंकि मौसम जो है बहुत प्यारा हो गया है, वरना गर्मी की शिद्दत जितनी थी ये तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए मैंने जो है इसको काट लिया अच्छे तरीके से। तबीयत मेरी अभी भी ख़राब है, गला बहुत दर्द कर रहा है और अब मैं इसको बनाऊंगी। मैंने फ़िलहाल मिकाइल का सूप रखा है, यानी यखनी रखी हुई है ऊपर, तो वो मैं बना के, तो बिल्कुल सिंपल सादा सी है। चिकन और चिकन में तकरीबन अच्छे तरीके से वॉश करके 5-6 गिलास मैंने पानी के डाल दिए थे, और 5-6 नहीं यार 3 गिलास, जिसमें से 2 खुशक करने हैं और 1 रखना है, तो वो मेरा मिकाइल पिएगा। उसमें ना एक छोटी सी मैंने हरी मिर्च डाली है और हल्का सा नमक बस, और लहसुन प्याज साबुत डाला है, उसका असर थोड़ा सा निकल आएगा इसके अंदर। तो अभी मैं ये बनाऊंगी। चिकन फ्राई कर दिया मैंने इसको, और पहले मैंने इसको सूख दिया। ये देखे कितने मज़े से खा रहा है, मीठी शय कोई भी नहीं खा रहा था। ये साबूदाना बना के दिया नहीं खाया, सही है केक ला के दिए नहीं खाए, दूध ला के दिया, पकोला जूस ला के दिया नहीं, और बोल रहा था सूप बना के दो। और हल्की सी मैंने हल्दी और नमक डालकर इसको फ्राई कर दिया है, और ये देखिए मज़े से खा रहा है। अच्छा बना है, अच्छा बना है, व्यूअर्स को बताओ अच्छा बना है, मज़ा आ रहा है। मीठा कुछ बना दूँ? अब बना दो, मीठा भी खाएगा। तो जी गाइस ये देखे सालन मेरा यहाँ रेडी हो रहा है, और मिकाइल का काम जो है वो ख़त्म हो गया है, सूप वाला भी और चिकन वाला भी, और खुदावन का शुक्र है उसने अच्छा खासा ये यानी सूप भी पूरा कप पी लिया और चिकन भी खा लिया, वरना सुबह से कुछ भी नहीं खा रहा था। अगर कुछ खाता था तो खाया रात को, तो वो उसने उल्टी कर दी। तो बस मज़ीद इसके लिए दुआ करें कि खुदा इसे सलामती दे, और ये बहुत कमज़ोर हो गया, चिकन शौक से खाता है और सूप भी पी लिया उसने, मेरी मेहनत बता नहीं गई। और अब मैं बना रही हूँ सालन, और इमरान साहब भी आ गए हैं, उनसे भी मिलवाती हूँ मैं। तो चलिए जी ढक्कन लगाते हैं और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको रखते हैं। तो जी गाइस मिलिए इमरान साहब से, इमरान भी अभी आए हैं और अब्बू भी बैठे हुए हैं, और ये मुंह बना के बैठे हुए हैं चाय वाला। बस ये हाथ देखिए, इसका हाथ दिखाएं अपना, काम से भी आया हूँ, तो इंशाल्लाह जो है सुबह आपसे मिलेंगे, क्योंकि सुबह हमारी जो है दावत की हुई है फरजाना ने और सुनहरा ने, तो सुबह आप ईद का दिन है, तो सुबह इंशाल्लाह जी मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं जी आज का भी लोग आपको पसंद आया होगा, और हमारी तरफ से फिर एडवांस में ईद मुबारक, चांद रात बहुत बहुत मुबारक। तो आप भी खूब इंजॉय कीजिए, खुदा आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और मिलते हैं एक नए और प्यारे से भी लोग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।